अभी गर्मी का मौसम आ गया है तो स्कूल और कॉलेजेस को छुट्टियां तो मिल चुकी है। इसका मतलब कि अभी गर्मियों की छुट्टी कहाँ बिताए ये प्लानिंग तो जरूर स्टार्ट हो गई होगी। और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये छुट्टियां में कहाँ जाए, तो हमारे पास ऐसे कुछ महाराष्ट्र के बेहतरीन हॉलीडे स्पॉट्स है जहाँ आप अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मालवन। एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह मालवन में स्टनिंग बीचेस है, स्प्रॉलिंग बैक वाटर और एंशियंट फोर्ट्स है। मालवन वाकई में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है समर में विजिट करने के लिए, और यहाँ पर बहुत जाना माना फिशिंग पोर्ट भी है। मालवन मार्च टू मई में विजिट करना बेस्ट होगा, और आपको यहाँ पर अच्छी प्राइवेसी, ग्रेट सनसेट और तो और गर्मी दूर करने वाला एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स भी मिलेंगे। अम्बोली। 2260 फीट के एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है अम्बोली, और ये हर एक टूरिस्ट के मस्ट विजिट प्लेस इन महाराष्ट्र में तो डेफिनेटली आता है। सह्याद्री हिल्स के एज की वजह से अम्बोली ठंडा हो जाता है और महाराष्ट्र का वन ऑफ द कूलेस्ट प्लेसेस में आता है। अगर आपको नेचर को एडमायर करना है तो आप अम्बोली जाकर जरूर एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बड़ा सुकून मिलेगा। लोनावला। लोनावला को बेस्ट पिकनिक स्पॉट माना जाता है पूरे महाराष्ट्र के समर में, और अगर आपको मुंबई की गचकच से दूर जाना है तो लोनावला परफेक्ट जगह है। सुंदर वाटरफॉल्स और सूदिंग ग्रीनरी भी है। लोनावला में जो भी जाता है एक अनोखी यादें लेकर ही वापस आता है। खंडाला। लोनावला से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर खंडाला आता है। यह जगह मई में आने के लिए परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट प्लेजेंट होता है और खंडाला की नेचुरल ब्यूटी इससे सबसे बेस्ट समर वेकेशन प्लेसेस इन महाराष्ट्र बनाती है। ऐसी जगह जो वर्थ है वेकेशन स्पेंड करने के लिए। महाबलेश्वर। सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में बसा हुआ महाबलेश्वर एक और खूबसूरत जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं समर्स में। महाबलेश्वर को एक रोमांटिक गेटवे फॉर ऑल द लव बर्ड्स भी बुलाया जाता है। यह बहुत क्वाइट और एन्चांटिंग प्लेस है महाराष्ट्र में, जो कोई मैजिक से कम नहीं। अलीबाग। अलीबाग सबसे पीसफुल प्लेसेस में है जो अप्रैल में ज्यादा विजिट किया जाता है। अगर आप आपकी हसल और बसल मेट्रो सिटी लाइफ से थक चुके हैं तो अलीबाग जरूर जाइए। जितनी शांत और पीसफुल है ये जगह, आपको इस वेकेशन स्पॉट से प्यार हो जाएगा। यहाँ पर बेस्ट बीचेस भी है, और अगर आपको समुन्दर के पास जाने का मन है तो यहाँ जरूर जाइए। माथेरान। सबसे स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया होने के बावजूद माथेरान बहुत कुछ ऑफर करता है जब बात आती है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन समर की। यह रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो अगर किसी को एडवेंचर करना पसंद है तो यहाँ पर जरूर जाइए, क्योंकि एडवेंचरस सोल्स के लिए परफेक्ट लश ग्रीन और फॉरेस्टेड रूट से भरी ये जगह है, और ये बेस्ट है ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए भी। पंचगिनी। पंचगिनी बहुत जाना माना जाता है पैराग्लाइडिंग के लिए, और इससे हेडक्वार्टर्स ऑफ पैराग्लाइडिंग भी बुलाया जाता है। लिटरली ये जगह लैंड ऑफ 5 हिल्स है जो दिखने में बहुत खूबसूरत है। कहते हैं पंचगिनी इज द अल्टीमेट समर रिसोर्ट, क्योंकि यहाँ पर सीनिक ब्यूटी और कुछ अनटच सराउंडिंग्स है जो श्योरली वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन महाराष्ट्र है ड्यूरिंग समर। आप पंचगिनी जाके आपका तन मन एकदम साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी गर्मियों से परेशान हैं और महाराष्ट्र आना चाहते हो और उनकी कोई जगह विजिट करना चाहते हो तो ये सारी जगह जरूर कंसिडर करें। और इसके अलावा ऐसी और भी कोई जगह है जो हमसे छूट गई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।